हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरेशम और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। जिस तरीके से होटल्स में अपन खाते हैं एकदम काले रंग के छोले, वो कैसे बनते हैं, सारे सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखें। और भटूरे की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, पसंद आए मेरा ये रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। छोलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, लगभग हाफ केजी छोले हैं। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। इसे हम काला करने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड, जितने छोले हैं उसके डबल मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे काला करने के लिए क्या करेंगे, एक कोई भी कॉटन कपड़ा या कोई भी सूती कपड़ा ले लेंगे और उसमें लगभग 2 टेबलस्पून चाय पत्ती लेंगे और ये 2 रुपीस का नेस्ले का कॉफी है। इस कॉफी को हम इसी चाय पत्ती में ऐड कर देंगे। अब हम इसे एक अच्छे सी टाइट नॉट लगा लेते हैं। नॉट टाइट लगाएं ताकि वापस खुले नहीं। हम इसमें डाल के छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 घंटे बाद आप देख पाएंगे छोले का कलर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना कलर आया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोटली है इसे हम निकालेंगे नहीं, इसी के साथ इसे हम ढक्कन लगा के थोड़ा सा इसमें हम सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा लगभग 1/2 टीस्पून, और इसे बॉयल उबालने के लिए हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। फ्रेंड्स, कभी ऐसा हो कि अगर आप ये पोटली डालना भूल जाएं तो आप क्या कर सकते हो, एक आंवला लें और उसे अच्छे से वॉश करके उसके छोटे छोटे पीसेस करके कट करके इसमें डाल दें, तो उससे भी क्या होगा कि छोले अच्छे से कलर चेंज कर लेंगे और जो हमारे होटल्स में मिलते हैं उसी टाइप का कलर आ जाएगा इसमें। तो अगर आप अभी आप बोलोगे कि हाँ आंवला तो साल भर मिलते नहीं है तो कैसे हम करें, तो इसे स्टोर करने का भी मैं आपको बताती हूँ कि आंवले को आप अच्छे से वॉश कर लें और उसे अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद किसी भी एक एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में नहीं फ्रीजर में आपको रखना है, तो ये आंवले साल भर भी खराब नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ले रही हूँ क्योंकि चने के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी चना अच्छा रहता है तो अच्छे से बॉयल हो जाता है और कभी कभी चना इतना अच्छा नहीं रहता तो ये अच्छे से बॉयल नहीं हो पाता, तो मैं इतना ले रही हूँ। आप अपने चने के हिसाब से 1/4 टीस्पून ही पहले लें, अगर वो बॉयल नहीं हो रहा है तो आप फिर से थोड़ा सा ऐड कर दें। अब हम इसे इस तरीके से ढक्कन लगा के पहले 2 सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये चने बॉयल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि कभी कभी चने क्या होते हैं 2 सीटी में भी अच्छे से बॉयल हो जाते हैं और कभी कभी 5 सीटी लगाने से भी अच्छे से बॉयल नहीं हो पाते। तो फ्रेंड्स, जब तक ये चने बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ हमें ग्रेवी के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और जितना प्याज है उसका ठीक डबल मैंने लिया है टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे और लहसुन, लहसुन करीब 2 लिया है मैंने मीडियम साइज के छोटे छोटे। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लेते हैं। इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमें चाहिए ये बादशाह का छोले मसाला है पंजाबी, इसे हम 1.5 टीस्पून देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देंगे, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है हींग, 1 टीस्पून गरम मसाला, चुटकी भर चीनी है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है हल्दी है, 6 छोटे छोटे लौंग है, 2 दालचीनी का मोटा टुकड़ा है, अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे साबुती डालने वाली हूँ और निकाल दूंगी बनने के बाद में, ध्यान से आप इसे बनाने के बाद निकाल दें। उसके अलावा है
तेज पत्ता जिसे मैंने चार टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसे फ्राई करने की प्रोसेस पे। तो ये जो ग्रेवी थी इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और तेल को भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। ये लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल है जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता, दालचीनी का जो 2 टुकड़े हमने लिए थे वो, लौंग डाल के थोड़ा ध्यान रखें, ये उछलता बहुत है। उसके बाद तो देखिए आप किस तरीके से उछल रहा है, थोड़ा ध्यान से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो ग्रेवी हमने बना के रखी है। थोड़ी बहुत ग्रेवी बची हुई रहेगी, इसे हम पानी मिक्स करके ऐड कर देंगे बाद में। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब इसे ग्रेवी को थोड़ी देर पकने देंगे। आप चाहे तो इसी स्टेज पे आप हल्दी और हींग भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं हल्दी दे रही हूँ इसमें, हींग, तो सॉरी फ्रेंड्स मैं इसमें जीरा ऐड करना भूल गई, कोई बात नहीं, आप जीरा पहले ऐड कर लीजिएगा। जीरा अगर नहीं भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमने इतने खड़े मसाले डाले हैं कि इसका टेस्ट ऐसे ही आ जाएगा, प्लस छोले का जो मसाला है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता साइड में तब तक हम इसे पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रेवी है उसने साइड से तेल छोड़ना चालू कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दें, यहाँ पे मैं 2 टीस्पून दे रही हूँ, और ये जो चीनी हमने थोड़ी सी ली थी, पिंच ऑफ चीनी, धनिया पाउडर और लगभग 1.5 टीस्पून गरम मसाला, सॉरी छोले मसाला, इन सबको अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा कलर आया हमारे छोलों के मसालों में। अब हम इसमें जो मिक्सी के जार में बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें ऐड कर देते हैं और इसे 2 मिनट पकने देते हैं। फिर से हम एक बार ढक्कन लगा देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चने को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और आप देख पाएंगे इसमें कितना अच्छा कलर आया है और ये पोटली भी इसमें ही है। जब आप ये पोटली डालें तो ध्यान रखें कि ये कपड़ा जो है इसका कलर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बहुत अपने हेल्थ के लिए हानिकारक रहता है। तो अब आप क्या करें कि इस पोटली को अच्छे से निचोड़ लें, अभी ये गर्म है, मैं बाद में निचोड़ूंगी और उसके बाद इसमें जो भी कलर है वो भी इसमें आ जाएगा, चाय पत्ती और कॉफी का, और इसे हम इसी पानी के साथ में चने में ग्रेवी में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी गर्म है तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 स्पून को उल्टा पकड़ रही हूँ और उसे इस तरीके से अच्छे से निचोड़ूंगी ताकि इसमें जो भी कलर है वो अच्छे से आ जाए। इसके बाद हम इसे हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ग्रेवी में डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रेवी हमने बना के रखी थी उसमें हम इसे ऐड कर देंगे।
चने को हमने भिगोने से पहले अच्छे से वॉश किया था 4 से 5 पानी, इसलिए हमें उसका पानी गिराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम इसे 2 बॉयल अच्छे से आने देते हैं तो हमारी जो छोले हैं बिल्कुल रेडी है। मैं इसे फिर से एक बार गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसे अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाए। अगर कभी ग्रेवी थिक ना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से ही कुछ चने लें और उसे इस तरीके से मैश कर दें। हल्का हल्का मैश कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो ग्रेवी है थिक हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़े टाइम में आप देख पाएंगे ये छोले कितनी थिक हो चुकी है इसकी ग्रेवी। और थोड़े छोले मैंने दूसरे डिश में ट्रांसफर कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर छोले की जो ग्रेवी है थोड़ी पतली रहे तो कोई बात नहीं है, थोड़े आधा घंटा आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो भी वो थोड़ी थिक हो जाती है। तो देखिए मैंने दूसरे डिश में इसे ट्रांसफर कर लिया है और ऊपर से मैंने इसमें धनिया पत्ती से गार्निश किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी जरूर कॉमेंट कीजिएगा। और भटूरे की रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की हुई है, आप नीचे लिंक में जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, इंस्टा पे भी मेरा पेज है, आप उस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है।